नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है आईटी रेडियस प्रोफाइल विथ G02 एंड G03, यानी कि G02 और G03 के मदद से यदि हमें आईटी में कोई प्रोफाइल बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका डाया यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 60 दिया हुआ है और इसका डाया 30 दिया हुआ है। यहाँ पे R6 का रेडियस दिया हुआ और यहाँ पे R3 का रेडियस दिया हुआ, यानी कि आईडी में हमें दो रेडियस बनाने, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है, यानी जहाँ रेडियस खत्म हो रहा उसका लेंथ 50 दिया हुआ और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 30 दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल लेंथ 80 हो गया, ठीक है। दोस्तों, यदि इस तरह से ड्राइंग दिया हो तो हम उसका किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम G0 से स्टार्ट किया हूँ। इसके पहले जो प्रोग्राम हेडर होता है वो मैं नहीं लिखा हूँ। यदि आप लोग को लिखने आता है प्रोग्राम हेडर तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता आप मेरा पार्ट नंबर 57 वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके पहले जितने भी वीडियो है उस सब में प्रोग्राम हेडर आप लोगों को लिखना सिखलाया है, ठीक है। दोस्तों, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो चलिए यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ G0x62.0z10। अब यहाँ पर देखिए इसका डाया 60 दिया हुआ, ठीक है। मैं टूल को कॉल किया 62 और z10। आप लोगों को पता है कि ये अपना जीरो होता है, यहाँ से 10 सेकेंड दूर में टूल को कॉल किया हूँ और x62 यानी कि इसका डाया 60 है, 2 सेकेंड ऊपर में टूल को कॉल किया, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए G41 टूल लूज रेडियस कॉम्पनसेशन ऑन कर दिया, उसका G01 Z0.0F3 यानी कि टूल को 0-0 कर दिया G01 ने, ठीक है। और यहाँ पे F3 क्योंकि टूल थोड़ा तेजी से अंदर हो गया, क्योंकि अभी टूल 10 सेकंड खड़ा था, यहाँ से 0-0 होगा थोड़ा तेजी में, इसलिए यहाँ पे F3 लिखा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट G01 Z-44F0.0। दोस्तों, यहाँ पे Z-44 क्यों लिया, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 50 दिया हुआ, मगर मैं यहाँ पे Z-44 लिया। ये 44 किस तरह से आया, देखिए यहाँ पे R6 का रेडियस बनाना, ठीक है, यानी कि रेडियस यहाँ पे स्टार्ट होगा और इसका लेंथ हमें नहीं पता, ये लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 50 दिया हुआ, यानी कि जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा उसका लेंथ 50 दिया हुआ, ठीक है। 50 दिया हुआ, 50 में ये जो R6 है इसको R6 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 50 है, 50 में R6 को माइनस किया तो 44 हो गया, इसलिए यहाँ पे G01 Z-44.0 और F0.0, ठीक है। दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि Z-44 किस तरह से है। नेक्स्ट, यानी कि टूल अब यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद टूल यहाँ पे R6 का रेडियस बनाएगा। R6 का रेडियस बनाने के लिए यहाँ पे G03 का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस बन रहा, इसलिए G03 X48.0। अब यहाँ पे X48 किस तरह से आया इसको देखिए, इसका डाया 60 दिया हुआ, ठीक है। ये डाया 60 दिया हुआ यहाँ पे R6 का रेडियस बनाना, इसका मतलब ये हुआ कि R6 का रेडियस बनाना चूंकि ये डायमेट्रिकली बनाना, इसलिए R6 को डबल कर देंगे, यानी कि ये जो 6 का रेडियस दिखाई दे रहा है इसको डबल कर देंगे। जब डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 60 में 12 को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 60 में 12 को माइनस करेंगे तो 48 आए, इसलिए यहाँ पे G03 X48.0 और Z-50 को, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अपना टोटल लेंथ 50 दिया हुआ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। और R6 F0.0, क्योंकि R6 का रेडियस बना था इसलिए R6 दिया और F0.2, यहाँ पे देखिए 0.2 या 0.2 बात दोनों बराबर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पे 0.2 लिखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब टूल यहाँ तक पहुँच गया, यानी R6 का रेडियस बन गया। फिर यहाँ पे R6 का रेडियस बनाना, टूल कहाँ से अपना रेडियस स्टार्ट करेगा उसका डाया हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में इसका क्या कमांड है, G01X36, यहाँ पे 36 से अपना रेडियस बनेगा। और ये 36 किस तरह से है, देखिए यहाँ पे डायर 30 दिया हुआ, 30 में R6 का रेडियस बना दिया, यानी कि इसका डबल कर देंगे, जब इसका डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए 30 में जब 6 को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कमांड लिखा G01X36.0F0.0, ठीक है। दोस्तों, यानी कि टूल अब यहाँ पे आकर खड़ा हो गया, अब यहाँ से R3 का रेडियस बनेगा।
R3 का रेडियस बनाने के लिए यहाँ पे कमांड दिया G02। यहाँ पर रेडियस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना है, इसलिए यहाँ पे G02 का यूज किया हूँ। और X30 क्योंकि इसका डाया हमें 30 दिया हुआ, इसलिए X का वैल्यू 30 लिखा हूँ। और Z-53 किस तरह से आया देखिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 50 दिया हुआ, ठीक है। और चूंकि R3 का रेडियस बनाना है यानी कि 3 mm टूल अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए 50 में प्लस 3 ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो कितना है टोटल 53 हो गया, इसलिए Z-53.0 और R3.0F0.2। इसका मतलब कि टूल यहाँ से रेडियस बनाते हुए यहाँ तक आ गया, ठीक है। टूल अभी लाइन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट G01 Z-82F0.2। यहाँ पे Z-82 किस तरह से है देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 50 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 30 दिया हुआ, ये दोनों मिलकर के 80 हो जाएगा। क्योंकि हमें 2 mm टूल को बाहर निकालना है, बाहर इसलिए निकालना है कि जो एंड में इसका जो बर बच जाता है उसको रिमूव करने के लिए टूल को 2 mm अंदर की तरफ, लेकिन 2 mm टूल को अंदर उसी वक्त ले जाएंगे जब बोरिंग बार अंदर जाने के लिए हमें जगह होना चाहिए, तभी ले जाएंगे, अदरवाइज टूल टकरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसलिए यहाँ पे G01 Z-82.0F0.2, ठीक है, यानी कि टूल यहाँ तक चला है। अब टूल को बाहर निकालना, बाहर निकालने के लिए G01 X28.0F2.2। यहाँ पे डायर 30 दिया हुआ, टूल को 28 पर लिया यानी कि 2 mm बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद G01 Z10F10 यानी कि अब टूल को हमें 10 mm बाहर निकालना, इसलिए टूल को यहाँ पे F10 यानी कि फिर 10 दिया हुआ, टूल तेजी में 10 mm बाहर निकलेगा, इसलिए यहाँ पे कमांड दिया हूँ Z10F10, ठीक है। G01 में टूल बाहर निकालना। नेक्स्ट अब टूल 10 mm बाहर आ गया। अब यहाँ पे G28U0.0W0.0 यानी कि G28 कमांड दे रखे टूल को होम पोजीशन भेज दिए। उसके बाद M05N09 यानी कि स्पिंडल ऑफ कूलेंट ऑफ, और M30 यानी प्रोग्राम एंड एंड रिसीव। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यदि ID में इस तरह से प्रोफाइल बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।